Hello and a big welcome to the Wellness Show, a show that brings you a message of not only a longer life, but also a better life. Ji haan, aur hum aapke liye ye program leke aate hain every Sunday 9:30 to 11 o'clock. Ji haan, ye 10 se humne 11 pehle hota tha, lekin ab 9:30 se 11 baje tak hota hai aur main hoon aapki presenter Yasmin Qureshi. Is program mein hum aapke liye leke aate hain bahut se health ke paigham, aapke mental health ke, emotional aur social jo bhi problems hote hain wo hum hal karne ki koshish karte hain through our experts who are experienced, highly experienced experts hain jo hamare saath hote hain. तो हम जो है आज बात करेंगे एक इलनेस के अलावा हम आपको फूड भी दिखाएंगे कि कौन कौन से फूड्स किस किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं. योगा भी होगी अगर टाइम परमिटेड, क्योंकि हमारे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं आपकी. और इसके अलावा जो है इमोशनल हेल्थ के लिए हमारे पास एक लाइफ कोच यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट होंगी जो कि आपके मसलों का हल तलाश करेंगी. तो हम जो किसी ने सच कहा है कि ज़िंदगी एक टेढ़ी खीर है, और मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी एक टेढ़ी लकीर है जिसको सीधा करने की कोशिश में इंसान इस मुकाम पर पहुँचा है कि वो ज़मीन और आसमान दोनों पर राज कर रहा है. बट वन इट कम्स टू आर हेल्थ एंड वेलबींग, मैन काइंड हैज़ रीच्ड मैनी सिग्निफिकेंट माइल स्टोन्स एंड हैज़ हैड रिमार्केबल मेडिकल प्रोग्रेस. लेकिन मुश्किल ये है कि जो ही डॉक्टर्स जो है वो किसी बग, किसी जो बैक्टीरिया है या किसी वायरस को कंट्रोल करते हैं, किसी बीमारी को कंट्रोल करते हैं, ये सारे बग्स बैक्टीरिया जो है ये कोई और चोला बदल के एक और हमारे लिए मुसीबत खड़ी करते हैं एक और बीमारी की सूरत में. तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, और ये जो कश्मकश है ये एक लड़ाई जो है डॉक्टर्स की और ये बग्स जो हैं, और ख़ासतौर पर ये जो ड्रग रेजिस्टेंट बग्स हैं, ये काफ़ी अलार्मिंग एक सिचुएशन है जिसको डील करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स. बात हो रही है बग्स की, बैक्टीरियाज की, तो आज का भी जो वो हमारा इशू है, हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ताल्लुक़ रखती है. एंड इनफैक्ट यू नो कंप्लेंट्स ऑफ बर्निंग ऑन यूरिनेशन अकम्पनीड बाय फ्रीक्वेंट अर्ज फॉर यूरिनेट, दे सेंड मिलियंस ऑफ वेमेन टू देयर डॉक्टर्स. और यही बात हमारी जो डॉक्टर हैं यहाँ आपको समझाएंगी कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. हाईली एक्सपर्ट हमारी जो गेस्ट हैं यहाँ पर तारा चन्ना, उनको वेलकम करते हैं. हेलो एंड वेलकम टू द शो डॉक्टर तारा चन्ना. गुड मॉर्निंग यास्मीन, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स. जी, और हम ये भी कहेंगे अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे ये भी कहेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ आप फ़ोन कीजिए जो भी आपकी इशू हो. ये अभी पहले तो हम डिटेल में बताएंगे कि जब बर्निंग होती है यूनिट, ये ख़ास तौर पर औरतों की प्रॉब्लम है. इनफैक्ट हाफ ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज सफर्स फ्राम इट, सो वंस इन देयर लाइफ टाइम इनफैक्ट, यू नो. सो ये ज़रूर हम बात करेंगे, और अगर हमारी जितनी बहनें हैं वो अगर बात करना चाहें तो प्लीज़ तैयार रहिए. अपना फ़ोन नंबर हम आपको, आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर आएगा और आप उसमें उससे बात कर सकते हैं. तो मुझे मालूम है कि अभी हमने छोटी सी ब्रेक लेनी है, तो उससे पहले ज़रा सा आप हमें बताइए कि सिस्टाइटिस जो है क्या है. सिस्टाइटिस जो है ना, सिस्ट यानी ब्लैडर, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी गर्मी. जहाँ पे भी तकलीफ होएगी ना, वो पार्ट आपका सूज जाएगा, आपको बहुत जलन होएगी, इरिटेशन होएगी, पेन होएगा, बुखार जैसा लगेगा, तो दिस इज़ अनदर वेरी कॉमन कंडीशन कॉल सिस्टाइटिस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. अच्छा, तो सिस्टाइटिस जब होता है, ये औरतों ही को ज़्यादा क्यों होता है, और किस ग्रुप की जो है औरतें हैं, किस एज ग्रुप की औरतें जो हैं वो? जनरली हम लोग बोलते हैं कि ये वुमेन का प्रॉब्लम्स है, एंड इट इज़ डेफिनेटली एज सून एज द एडल्ट्स, यंग गर्ल्स बिकम सेक्शुअली एक्टिव, दिस प्रॉब्लम स्टार्ट्स मोर विद देम, एंड दिस इज़ वाई इट्स ऑल्सो कॉल एज हनीमून पाइलाइटिस, कि शादी के बाद वंस यू बिकम एक्टिव इन रिलेशनशिप ये बग्स आपको अटैक करते हैं. लेकिन ये बच्चे में भी होते हैं, यंग चिल्ड्रन में भी होते हैं, इवन प्रेग्नेंट वुमन, इवन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड ऑब्वियसली एल्डरली मैन एंड वुमन. सो बिग कैटेगरीज. पर जो महिलाएं होती है, जो मिडिल एज ग्रुप है, जो सेक्शुअली एक्टिव होती है, उनमें तो डेफिनेटली एक दफ़ा तो ज़रूर ये प्रॉब्लम सबको होती है. लेकिन इसके मेरा ख्याल है जो ट्रीटमेंट्स वगैरह भी हैं, अच्छी बात यह है कि इनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह भी आसानी से हो जाती है. आसानी से हो जाती है, लेकिन एज सून एज यू हैव द फर्स्ट सिम्टम्स यू मस्ट टेक प्रिकॉशन. अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होती रहती बारी बारी एंड यू कीप ऑन टेकिंग एंटीबायोटिक्स, देन द सेम बग्स बिकम्स रेजिस्टेंट, जो आपने पहले ही बताया.
तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी करेक्ट डायग्नोसिस और मैनेजमेंट और एज फार एज पॉसिबल प्रिवेंशन की हम लोग बातें करेंगे. अगर वो पे आप ज़्यादा ध्यान दो तो आप काफ़ी एज वी से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लॉट ऑफ रिलीफ. तो सही बात है, बिल्कुल. तो हम ये बातें करते रहेंगे, लेकिन हम अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे. ब्रेक से पहले हम ज़रूर आपसे कहेंगे, प्लीज़ हमारा नंबर जो है ये नोट कीजिए, यहाँ पर हमारे स्क्रीन पर आएगा और आप हमें फ़ोन कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है. ख़ासतौर पर हम अपनी लेडीज़ से कहेंगे, आज हमें मालूम है कि मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस, लेकिन यहाँ पर आज तो वाकई यही बात होगी कि वीनस जो है वो वीमेन के इशू पे बात कर रहा है. तो हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपका और हमारा साथ फिर होगा.